गुजरात में ऊना में 4 चमारों को नंगा करके मारा गया। क्या वो बांग्लादेश से आए थे, क्या वो पाकिस्तान से आए थे, क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? ये है हमारी चिंता। और भी है, इस्लाम को मानने वाले लोग क्या इस देश के नहीं है? इस्लाम के मानने वाले लोगों के रगों में इस देश का खून बहता है। हुआ है वो शांतिपूर्वक रहा है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के चेयरमैन प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी का, को चेयरमैन प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी का, अमिक भाई इस संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के कन्वीनर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं एज ए को कन्वीनर रहा हूँ। तो ये 19 तारीख को परिवर्तन चौक पर हम सभी लोग जो है शांतिपूर्वक इस कानून के खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाज़ रखी और बहुत ही शांतिपूर्वक रहा। मैं हाई कोर्ट के पास जो बैरिकेडिंग लगी थी हजरत बेगम महल पार्क के पास, वहाँ पर था। हमारे साथ में प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी भी थे, रूपरेखा मैडम भी थी। तो रूपरेखा मैडम बैरिकेडिंग के पास पीस अपील कर रही थी सभी से, और पीस अपील बहुत अच्छी रही, सभी लोगों ने उनकी बात को माना। वो जब चली गई या जाने से पहले उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, और मैं बैरिकेडिंग के पास में ही था तो पुलिस वालों ने ही मुझे जो है माइक दिया और स्पीकर दिया और पीस अपील के लिए कहा, तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करने लगा। करीब 4:15 बजे का समय था, उस बैरिकेडिंग के पास ज़बरदस्त ब्लो एक झोंका आया बहुत तेज़ी से, और वो बैरिकेडिंग टूटी। बैरिकेडिंग टूटने की वजह से सभी लोग जो है आगे की तरफ जब भागे तो थोड़ा सा पत्थरबाजी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक मूवमेंट बन चुका था। तो जब मैं दौड़ करके आगे बढ़ा तो एक तिराहा पड़ता है जो भारत खंडे से निकल करके आता है परिवर्तन चौक की तरफ। मैंने वहाँ देखा कि सदब जी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनको लेकर के मैं आगे बढ़ा। तब तक पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी। दूसरे हिस्से की तरफ प्रेस क्लब पड़ता है, हम लोग उस तरफ भागे ताकि अपने आप को बचा सकें, लेकिन प्रेस क्लब के पास भी बैरिकेडिंग लगी हुई थी। तो उस बैरिकेडिंग को क्रॉस हम लोग कर नहीं पाए, तो मैं और सदब जी साथ में रहें, और उस दौरान हम लोगों ने देखा कि पत्थरबाजी लगातार चल रही है, आगजनी भी शुरू हो चुकी थी। सदब जी और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो जब पत्थरबाजी तेज़ी से शुरू हुई तो उधर से जब परिवर्तन चौक से एक झोंका आया और पत्थर मारते हुए बहुत सारे लोग जब अंदर आए तो हम लोग फिर बच करके बगल में फैब इंडिया के पास जो है किसी का घर रहा होगा, उन्होंने गेट खोला और हम लोग फिर अंदर सुरक्षित वहां पर रहे हैं। तो करीब 1.5 घंटे तक ये जो उपद्रव हिंसा कह लीजिए सब चलता रहा। शाम को करीब 4:45 के आसपास जब सारा माहौल शांत हो गया तो मैं और सदब जी दोनों लोग जो है बाहर की तरफ निकले, क्योंकि प्रेस क्लब की तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी। तो हम लोग परिवर्तन चौक की तरफ आगे बढ़े। उस दौरान जो है हम लोगों का लाइव फेसबुक पे चल रहा था, और जैसे ही हम लोग जो है तिराहे पे पहुंचे, परिवर्तन चौक के पास पहुंचे हैं, करीब 100-150 पुलिस का जो जमावड़ा रहा उसने मुझे खींचा तेजी से, और सडनली जो है 8-10 लाठियां सर पे मारी। और जब लाठियां पड़ी तो मैं 5-10 सेकंड के लिए मैं होश खो गया। कुल मिला के कहूँ तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हुआ। उसके बाद खींच करके मुझे जो है दूसरे हिस्से की तरफ ले गए, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जहाँ पर एक लड्डू वाले की दुकान फेमस है, वहाँ पर कुछ लोग पहले से बैठे थे और मुझे लगातार खींच भी रहे थे, और पीछे से कई पुलिस वाले जो है लाठियों से लगातार मार रहे थे। तो उस दौरान मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं अपने होश खो बैठा था। दूसरे हिस्से की तरफ जब मैं पहुँचा हूँ तो बिठा करके मुझे जो है लगातार पीटना शुरू किया, और उसी दौरान एक महिला आई, महिला कांस्टेबल थी, उसने गाली गलौज की और शब्द कहे। उसके बाद उसके हाथ में एक हेलमेट था, उसने लगातार वो हेलमेट मेरे सर पर मारा, और हेलमेट तब तक मारा वो जो टूट टूट के बिखर नहीं गया। तो इस दौरान क्योंकि मुझे होश नहीं था, सदब जी ने बताया कि मेरी आंखें बिल्कुल जो है टंग चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से होश खो बैठा हूँ। तो उसके बाद दूसरा, जब 2 राउंड चले पिटाई का, ये दूसरा राउंड चला, तीसरा राउंड पे हमको
जीप में खींच करके बिठाया गया। जीप में जब खींच के बिठाया गया तो अंदर पुलिस वाले भद्दी जो इस दे इतनी भद्दी गालियां शायद जो है इस देश का अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं देता होगा, इतनी गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जब थाने तक ले जाते समय भी उन्होंने अभद्रता की। थाने पे जैसे ही जीप खड़ी हुई उन्होंने मुझे उतारा, हमारे साथ एक दो लोग और भी थे, दो पुलिस वाले उतार रहे हैं तो पीछे से 5-6 पुलिस वाले इतनी तेजी से पीट रहे थे और पीटते हुए हम लोगों को FIR रूम में लेके गए। FIR रूम में ले जाने के बाद अंदर कुछ सिविल धारी थे, अब वो पुलिस थे विभाग से जुड़े हुए थे या कहीं बाहर के, तो वो सब निकल के आए, उन्होंने जो है फिर लाठियों से हम लोगों को फिर से पीटा। तो ये हमारा चौथा राउंड चला। उसके बाद इतनी पिटाई होने के बाद जो है एक FIR रूम में जो है एक दरवाज़ा है, उसके अंदर एक हॉल बना हुआ है, शायद पुलिस वालों के रुकने का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर चारपाइयाँ पड़ी थी, बेड पड़े हुए थे, मच्छरदानियाँ थी। हम सभी को खींच करके लेके हमको वहाँ पर गए, वहाँ पर फिर से जो है पिटाई हुई। तो ये जो 5 राउंड का जो पिटाई का दौर चला, इस दौरान मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि किस तरह का, लेकिन ये जो जातियाँ रहीं वो मुझे आज भी महसूस होती हैं। सेल में डालने के बाद मैंने देखा कि करीब 25-30 लोग पहले से जमा थे, हमारे मोहम्मद नसीम साहब, इनको मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि वो कराह रहे थे उसमें, और इतना शोरगुल वहाँ पर था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैं जेल में गया हूँ तो सब एक दूसरे से सिमटे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई जो है मारने के लिए आ रहा है या हम पर अटैक करने वाला फिर से आ रहा है, सब लोग सिमटे हुए थे। और फर्श इतनी ठंडी थी कि कोई नॉर्मल आदमी अगर कपड़े पहन के भी बैठे तो ठंडा आ जाए। 10 बजे के आसपास एक पुलिस वाला आया, उसने बोला कि कहाँ है साला पवन राम अम्बेडकर, उसने सेल खोला और उसने खींच करके मेरे को एक जो है पेट पे लात मारी, क्योंकि उसका पैर जितना उठा उतने तक गया, वो आकर के मेरे स्टमक पे लगा। उसके बाद सेल बंद किया और फिर चला गया। तो ये रात भर जो है दौड़ जो चला है, मैं और इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि पूरा परिदृश्य कैसा रहा। उसी दौरान कुछ सफ़ेद कुर्तेधारी लोग आए हैं जिनको उस सेल में बंद किया गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि मैं BJP का कार्यकर्ता हूं और ये सूचना मेरी पहुंचाई जाए। तो हमारे क्योंकि नसीम साहब हैं उस समय जेल में, मेरे साथ एक दो लोग और भी थे, भाई साहब भी थे, तो उन्होंने ये सूचना दी कि मैं BJP का आदमी हूं। अगर BJP के थे तो परिवर्तन चौक पे क्या कर रहे थे, परिवर्तन चौक पे थे तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के क्यों लाएं, ये एक स्थिति बनती है, आपको पहले ही छोड़ देते हैं। तो जो पुलिस वाले इनको पकड़ के लाए थे शायद वो पुलिस वाले नहीं थे, RAF या दूसरी जो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस रही होंगी, वो उनको पकड़ के लेके आए थे। तो उनको करीब 11:30 बजे के आसपास छोड़ दिया गया। तो मेरे मन में प्रश्न ये भी उठता है कि जो लोग BJP में हैं वो इस देश के जो है असली नागरिक हैं, जो BJP में नहीं है वो इस देश के नागरिक नहीं है। तो ये प्रश्न लाजमी उठता है। रात भर जो एक दौर रहा है, एक घटनाक्रम और भी बताना चाहूँगा, एक खुलासे आने चाहिए सामने। दो साथी अपने भाई या दोस्त को मिलने आए थे, तो उनसे उनको पूछा, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद उनकी पिटाई हुई, पिटाई करके उनको भी जेल के सेल में डाला गया और फिर उनको एक साथ जेल भेजा गया। तो इस दौरान मैंने देखा कि ये जो पुलिस का रवैया रहा है, जो ब्रूटैलिटी रही है, ये ब्रूटैलिटी ऐसी रही है शायद इस देश के इतिहास में जो है अंग्रेजों के समय भी नहीं रही होगी। और इस ब्रूटैलिटी को मैंने अपने आप में इस तरह भी महसूस किया है क्योंकि मैं उस समाज का व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म उस समाज में हुआ है जिसको इस देश की मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जानवरों से भी बदतर समझती है। ये महसूस होता है हमारे पूर्वजों ने जो मार सही होगी, उस मार को मैंने वो याद किया कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की जो है मार सही होगी, उसका जो परिदृश्य मुझे रात भर दिखाई दिया उसको मैं भूल नहीं सकता हूं। सुबह फिर वो व्यक्ति आता है
और मुझे मेरे नाम से बुलाता है और फिर एक बार मुझे मारता है और शायद मुझे यह याद दिलाता है कि तुम इस सेल में अकेले हो, क्योंकि मैंने पाया था कि उस सेल में उस समय 39 लोग थे और मैं नॉन मुस्लिम था। नॉन मुस्लिम तो नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं वो व्यक्ति था जो इस देश का सबसे मारा, सबसे निकृष्ट व्यक्ति था, इसलिए वो मेरे को फिर से मारने आया था। जेल में भी जो अपशब्द निकले हैं, जिस तरह से लोग निकलते थे हमारे साथ में जब जाते थे, जिनको दंगाई कह के बुलाया जाता था। एक घटना और बताऊंगा कि कुछ लोग जो है मेडिकल के लिए ओपीडी जाते थे, तो ओपीडी में जाने से मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि दंगाइयां हैं, इनको जो है ओपीडी में जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक जो दुर्भावना रही है सरकार की, वो हम पर थोपी गई, या इस तरह से कह सकते हैं कि उनका जो है रवैया ही रहा। अच्छा, ब्रूटैलिटी तो हुई है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। राज्य सरकार ने जिस तरह से अपना जो है मनोवृत्ति दिखाई है, वो इस देश की जो गुड गवर्नेंस नहीं है, इस देश की ब्राह्मणवादी मानसिकता उसके दिमाग में घुसी हुई है। इस देश में वो व्यवस्था लाना चाहते हैं जो सदियों से थोपी गई है। इस देश में संविधान की बात नहीं करना चाहते, ब्राह्मणवाद मनुवाद के आधार पर जो व्यवस्था रही है उसको वो थोपना चाहते हैं। मैं अपनी बात और भी कहना चाहूंगा, ये जो एक्ट रहा है इसके खिलाफ मैं इसलिए भी खड़ा हुआ हूं क्योंकि ये एक्ट वास्तव में इस्लाम को मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो इस देश में रहने वाले एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। मैं ये भी प्रश्न उठाता हूं, जो बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लोग आएंगे हिंदू के नाम पर, वो कौन होंगे? इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग होंगे। जो एससी एसटी को अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूं, क्योंकि मैं सारी बातें खुल के भी आज रखना चाहूंगा, जो जातियां आएंगी, चमार, पासी, अहिर, गड़रिया, काची, कुर्मी, जो इस देश की जो जातियां रही हैं, वो जब इस देश में आएंगी तो उनकी क्या स्थिति होगी? जो इस देश में सदियों से रह रहा है हम जैसे लोग, उनकी क्या स्थिति है आज भी देखा जा सकता है। उसके उदाहरण देखिए, गुजरात में ऊना में 4 चमारों को नंगा करके मारा गया। क्या वो बांग्लादेश से आए थे? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या वो अफगानिस्तान से आए थे? ये कौन लोग हैं जो इस देश में मानवता को तार तार करते हैं? मैं बार बार फिर से कहूंगा, ये लोग वही हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। तो जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आएंगे, जो जातियां आएंगी, मैं ओबीसी एससी एसटी ओबीसी में जो जातियां हैं, जो जातियां आएंगी, क्या उन जातियों का इस देश में मान सम्मान होगा? उनको किस नाम से बुलाया जाएगा? उनको स्थान कहां मिलेगा? उनको शिक्षा कहां से मिलेगी? आज भी आप देख सकते हैं इस देश में शिक्षा की क्या स्थिति है। हमारे जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, नंगे घूमते हैं, उनको खिचड़ी दी जाती है, सड़ी हुई खिचड़ी, उनको कौन सी स्थिति में रखा जाएगा? तो हमारी चिंता का विषय यह है, हमारी चिंता और भी है, इस्लाम को मानने वाले लोग क्या इस देश के नहीं है? इस्लाम के मानने वाले लोगों के रगों में इस देश का खून बहता है, उनको इस देश में धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। यह भी मेरा एक प्रश्न उठता है। एक प्रश्न और भी मैं उठाना चाहता हूं, जो लोग इस देश में जो लाइन खींची गई है इस्लाम को छोड़ करके जो 6 धर्म आएंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और क्रिश्चियन, क्या इनके नाम पर इस देश में ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो इस देश में ऐसे लोगों को भी ला सकते हैं जो इस देश की एकता अखंडता को खंडित कर सकता है? मैं बार बार इसका उदाहरण भी दे चुका हूं कि अगर अजीत डोभाल मुसलमान बनकर के पाकिस्तान जा करके वहां की इंटरनल सिक्योरिटी को धोखा दे सकते हैं, तो क्या इस देश में ऐसे लोगों को नहीं लाया जा सकता है जो इस देश को खतरा पैदा करें? हिंदू के नाम पर, बौद्ध के नाम पर, जैन के नाम पर, सिख के नाम पर और पारसी के नाम पर? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आज भी आप हालात देख लें, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, 2 सिख कम्युनिटी में 2 मेजर जातियां हैं, रमदसिया और रविदसिया, उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। उनको कौन, क्या इस्लाम के मानने वाले लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, या उस देश में रहने वाले जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं? ये प्रश्न उठता है। मैं बार बार ये प्रश्न आप लोगों के सामने जरूर लाना चाहता हूं। ये जो एक लाइन खींची गई है कि वहां से धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित हैं, क्या वाकई इस्लाम को मानने वाले लोग प्रताड़ित कर रहे हैं? वहां पर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित है,
क्या बंगाल में स्थापित नहीं है? अगर वहां पर जातियां हैं तो जातियों के साथ साथ अन्य लोग भी हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसको जो है शॉर्ट में रखना चाहूंगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे जो पूरा जो संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान रहा है, इसमें आशमा जी ने बहुत मेहनत की है और इनके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये एक अपील भी करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बेल बॉन्ड की जरूरत है, अगर आप लोग खुल करके आएंगे उनके लिए बेल बॉन्ड का अरेंजमेंट करेंगे तो वो लोग बाहर आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।